लेडीज शुड बी केयरफुल अबाउट प्रॉपर इस्लामिक ड्रेस। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और ये दोस्तों हमारी पापड़ी जो रेडी होगी आज हम देख ला रहे हैं। और आपको पता है दूसरों के पैसों के खाने की कोई भी चीज हो ना अपने उसका लेवल होता है। पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। और ये दोस्तों बकर के पांव भरसक जा रहे हैं। कैमरा बंद करें भाई जान। बेशरम आदमी तुम्हारे बाप का पैसा है। अभी गाइस नाश्ता शाश्ता दोस्तों उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों दो तीन दिन हो गए हम लोग कहीं गए ही नहीं। आज चलेंगे फैसल मस्जिद। मस्त प्लान है। दोस्तों फाइनली हम मस्जिद के अहाते में आ चुके हैं। ये दोस्तों मस्जिद के पास पापड़ी चाट वाला था। मुझे पता है आपका भी दिल कर रहा है खाने के, लेकिन हम तो खाएंगे मज़े से। ये दोस्तों हमारी पापड़ी चाट आ गई। सुकून से खाने के बाद फिर मिलते हैं। आज हम देख ला रहे हैं। और आपको पता है दूसरों के पैसों के खाने की कोई भी चीज़ हो ना अपने उसका लेवल होता है। पहले जूते उतारेंगे क्योंकि ये मस्जिद भी है, सिर्फ घूमने की जगह तो नहीं है। दोस्तों जब मैं पहले यहाँ पर आया था उस वक्त इसका स्ट्रक्चर मौजूद था एक कमरे में, तो पहले मैं तो वो देखूंगा ना कि वो अभी तक वहीं पर है या नहीं, और पता नहीं उस कमरे में जाने देंगे कि नहीं। दोस्तों ये वो कमरा आ गया, ये यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है और इस कमरे में लॉक लगा हुआ अभी, लेकिन हम बाहर से ही देख लेंगे। दोस्तों अभी चलेंगे इसकी लाइब्रेरी की तरफ। उधर भी बीस हफ्ते में दो दिन खुलती है। ये दोस्तों अभी इसकी लाइब्रेरी भी बंद हो चुकी है क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया, हम थोड़ा लेट आए थे, बल्कि आज थी बंद लाइब्रेरी, आज बंद थी इनकी, वो मुझे अंकल ने बताया अभी। तो चलें अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर ज़्यादा मज़े का व्यू है। ये बकर के पांव चल रहे हैं बड़े सख्त। दोस्तों ये सामने मनाल की पहाड़ी है। दोस्तों मनाल गए थे हम, याद है अगर आपको पिछले व्लॉग में। हाय एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना से आए हैं असल में, तो इनको उर्दू नहीं आती, ठीक है, और हमें इंग्लिश भी अच्छी नहीं आती। और ये दोस्तों थोड़ा साइडेड एरिया, यहाँ पर लोग खाना वगैरह जो बना के लाते हैं ना वो आके यहाँ पे खाते हैं बैठकर, तो बाकी उस दूसरी जगह पर तो खाने वगैरह की कोई मतलब अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अलाउ है, आराम से आगे खाना वगैरह खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। ये दोस्तों उसका मुझे लगता है अंडरग्राउंड एरिया, यहाँ पर भी लोग नीचे जाके नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों इतना प्यारा मंदिर होता है रात को, लेकिन हफ्ते में दो दिन सिर्फ, ठीक है, सिर्फ दो दिन लाइटिंग होती है यहाँ पर, मतलब इतना प्यारा उन्होंने फव्वारा लगाया होता है और बड़ा प्यारा सा मंदिर होता है रात को, लेकिन दिन को भी नहीं होता, और वैसे बाकी दिनों में हफ्ते में सिर्फ दो दफ़ा होता है। और ये दोस्तों बच्चों के लिए उन्होंने यहाँ पे बंद कर दिए क्योंकि बच्चे यहाँ पे ऊपर चढ़ते थे। इधर ये मैं आपको बताता हूँ, इधर ना लोग जो बच्चे आते हैं ना रमजान में उन्होंने बहुत तबाही उतारी, इधर चढ़ जाते थे ऊपर ऊपर जाके स्लाइडर लेके नीचे, तो इंतजामिया से परेशान होकर फिर इन्होंने ये आगे लगा दिए थे।
और ये दोस्तों जब अंदर आओ ना तो ये इसकी लेफ्ट साइड है मस्जिद की ना, और चारों साइडों से एक तरफ ही है, मतलब एक जैसी है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। और अंदर से मैंने आपको दिखाया था पीछे, थोड़ा सा इन्हें दिखा सकूँ, मतलब अंदर अलाउ नहीं है। अब आगे उस तरफ चलते हैं। ये दिखाई ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत सुनी सुनी लग रही है। एक मिनट इसको पढ़ो। लेडीज शुड बी केयरफुल अबाउट प्रॉपर इस्लामिक ड्रेस। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अंदर किसी को अलाउ नहीं है जाना। अंकल से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि लोग सफाई का ख्याल ही नहीं रखते, इस वजह से बंद है। और दोस्तों जो ये गैली, ये वुमेंस के लिए है, ठीक है। इसका दरवाज़ा बाय की तरफ से भी खुलता है, यहाँ पे जेंट्स को अलाउ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी अभी भी बाय से हम, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी सारी ना वुमेंस होंगी। ये जो एरिया ना, यहाँ पर सिर्फ क्या नाम है, फ्राइडे को खुला होता है, मतलब बंद होता है वैसे ही। अभी इन दिनों में ये वुमेंस के लिए उन्होंने खोली होती है, यहाँ पर वुमेंस गैली है, पीछे सारा ना उनके लिए होता है, ठीक है। तो वैसे ना जेंट्स के लिए नीचे निज़ाम होता है सारा, तो वुमेंस के लिए इन्होंने ऊपर रखा होता है। तो इस तरह ना, मतलब पूरा इन्होंने प्रॉपर एक निज़ाम बनाया। दोस्तों रात को यहाँ पर व्यू देखने वाला होता है, मतलब बहुत प्यारा होता है, मज़े का होता है, ये फवारे निकल रहे होते हैं, बड़ा प्यारा होता है। लेकिन अभी तो उन्होंने कुछ यहाँ पे लगाए हुए नहीं है ना, मतलब दोस्तों अभी नमाज़ का टाइम है, फिर अभी नमाज़ के बाद मिलते हैं। ये दोस्तों अभी हमने नमाज़ पढ़ ली थी और अभी जूते वगैरह ढूंढ के पहनेंगे, दुआ करें वहीं पड़े हुए हूँ। दोस्तों ये लाइब्रेरी खुल गई है यहाँ पर, एक ना चक्कर लगा के। कैमरा बंद करें भाई जान। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। दोस्तों उसने यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, उसने हमें बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी भी वीडियो बनाने दी है। चलिए दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, अब आप मस्जिद का आखिरी दीदार कर लेंगे। ये दोस्तों इस पर लिखा हुआ है कि शाह फैसल ने मस्जिद बनवाई थी पाकिस्तान में, तो उसके बारे में ना ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप इसको स्टॉप करके खुद ही पढ़ लें अगर समझ आ रही है, क्योंकि काफ़ी सारा मिट गया ये। और दोस्तों याद रहे कि ये वो शाह फैसल हैं जिन्होंने कहा था, जिनको इंडिया बुलाया गया था, जिन्होंने इनकार कर दिया था, फिर उन्होंने इनको इन पर जोर डाला गया और उनको कहा गया कि आप इंडिया आएँ। फिर उन्होंने एक शर्त रखी थी, उन्होंने कहा था कि इंडिया में एक शर्त पर आऊँगा कि मुझे एक भी बुत नज़र ना आए, और तारीख में ही आते हैं कि इनको कत्ल कर दिया गया था। चले दोस्तों अभी मस्जिद विजिट कर लिए, आप घर जाएंगे, बल्कि घर जाने से पहले बर्गर खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। पाकिस्तान के कुछ एरिया ना कि पता नहीं चलता हम पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते देखे ना, पता चलते कि हम पाकिस्तान में, तो जितना मर्जी खुशबू तेरी। चले दोस्तों अभी खाने के बाद मिलते हैं। अभी गाइस नाश्ता मुझे कब से इंतजार था, इन